रामनगर। और मैं कौन हूँ? और ये कौन है? हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और लोकेशन देखिए, अभी जहाँ पर खड़े होके मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर हल्की हल्की धूप आना स्टार्ट हो गई है, नदी और वो हमारा कैंप, तो बहुत ही मज़ेदार लोकेशन है। ठंडा बहुत हो रहा है यहाँ पे। हमको थोड़ा लग रहा था कि रात को हो सकता है टेंट में ठंडा लगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत कंफर्टेबल था और अच्छी नींद आई। उसके अलावा बस यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, हल्का सा हाथ लगा और बस करंट के जैसा होता है उसमें। अभी जाता हूँ मैं वहाँ पे। आज का प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे चेकआउट करके, उसके बाद फिर देखते हैं हल्द्वानी में कहीं पर रुकते हैं तो, अदरवाइज सीधा घर ही जाएंगे। और रास्ते में देख के रहिए क्या क्या करते हैं हम लोग। तो यह है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे कल हमने खाना खाया था, अभी फ़िलहाल बंद है। और तो ये लोग उठ गए होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ऐसे बंद कर रखा है, और अगर मैं धक्का मारूंगा शायद दरवाज़ा खुल जाएगा, क्योंकि मेरे को खुला लग रहा है, वो शायद खोल दिया होगा अभी तक तो इन लोगों ने। बाकी ये नज़ारा तो देखा ही था कल। हमने इनसे पूछा था, क्योंकि हम ही लोग हैं यहाँ पे, तो इनसे पूछा कि कुछ डर वगैरह तो नहीं रहती ना जानवरों की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है मतलब इसके आसपास पूरे गांव है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे लोग रहते हैं और इसके पीछे भी पूरे लोग रहते हैं, तो पूरे गाँव के बीच में ही है। लोग रेडी होके यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा सा धूप देखने के लिए, ये रही। और हम लोग बस यहाँ पे नाश्ते का वेट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चल देंगे यहाँ से, धूप भी कभी आ रही है कभी जा रही है। तो ब्रेकफास्ट आ गया है, पूरी, आलू के पराठे, आलू की सब्ज़ी, अचार, दही, चीनी, क्योंकि चीनी के साथ ही खाती है। तो खाना तो एज एक्सपेक्टेड बहुत ही फ्रेश, बहुत ही ज़्यादा स्वाद, मज़ा आ गया। चलो अब यहाँ बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, फाइनली सारी पैकिंग करके अब हम निकलते हैं घर को। यहाँ पर ये रहा इसका एक 360 डिग्री व्यू, मज़ेदार जगह, अच्छी जगह है। अगर यहाँ पे आप लोग आएंगे, मतलब अगर यहाँ पे ऐसे आएंगे 5-6 लोग, 7 लोग या उससे ज़्यादा लोग, तो जो कितना मज़ा आएगा तो सोच नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतना बड़ा खुला एरिया है, सामने नदी है, वहाँ पे जाके खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक नई चीज़ सीखने को मिली कि बिना इंटरनेट के भी ज़िंदा रह सकते हैं हम लोग, अभी तक तो ऐसी ही हालत है, इतना नहीं हुआ है कि इंटरनेट नहीं मिले तो तड़प जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। इंटरनेट है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि इंटरनेट नहीं होगा, कनेक्शन वगैरह सब कुछ है, नेटवर्क थोड़े कम आते हैं वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन वाईफाई वगैरह सब है इधर। हाँ अभी ख़राब चल रहा था, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही थी वाईफाई में। बाय द वे, ये जगह भीमताल से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है ना, 10 किलोमीटर ही था। अगर आप इसको खुद से ढूंढने जाएंगे तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो जो गूगल मैप्स में, मैप्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप नेविगेट करके आ सकते हैं, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा रोड से हट के है, इसके लिए मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हम पहुंच गए हल्द्वानी में, और है आज आशुदी का बर्थडे, तो हम केक लेके जा रहे हैं उनके पास, सरप्राइज करेंगे उनको। तो केक ले लिया हमने ब्राउनी से, क्या है, हनी आलमंड केक। मैं हमने फर्स्ट टाइम ही लिया, तो पता नहीं है कैसा होता है, उम्मीद है अच्छा ही होगा, क्योंकि ब्राउनीज बहुत फेमस है यहाँ पे,
अच्छा बनाते हैं केक वगैरह, तो अब वहाँ जाके देखते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं आशु जी को, मजा आएगा। हम लोग गेट खोल के अभी भी कितने देखते हैं। बता व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज व्हाट इज योर फादर नेम। माय फादर नेम संतोष। व्हाट इज योर मदर नेम। माय मदर नेम आशा रोजा। व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम। माय ग्रैंडफादर नेम आशा रोजा। व्हाट इज योर ग्रैंडमदर नेम। माय ग्रैंडमदर नेम आशा रोजा। ग्रैंडमदर नेम बेटा। व्हाट इज योर लोटी। वेरी गुड। व्हाट इज योर अंकल नेम। What is your auntie name? Very good. चाकू भी है, ठीक है। आप सुनाओ अंगूठा। और ये फिर ये तर्जनी और फिर मध्यमा फिर मध्यमा अनामिका फिर ब्रह्मा सिखा दे। मौसा जी को गुरु ब्रह्मा नहीं आता। हाँ। आप टीचर हो या स्टूडेंट है, ठीक है, आपको इनको पढ़ाना है। ये भी स्टूडेंट है। मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मुझे सिखा। चलो बताओ सिखा। आप टीचर हो, आप मैडम हो। मैम हमें बता दो। मैम ये क्या, ये कौन, ये क्या है? अंगूठा। अंगूठा। और ये क्या है? तर्जनी। और ये मध्यमा। और ये अनामिका। अनामिका। और ये प्यार करती हो आप पूजा मम्मी को? बहुत आज पूजा मम्मी यही रहेगी, ठीक है। आप कहाँ सुलाओगे उन्हें? कहाँ पे? अच्छे से बच्चे। फिर उसके बाद केक काटेंगे, फिर हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। आज हैप्पी बर्थडे सॉन्ग भी गाएंगे, पापा के लिए गाना गाएंगी। आप कहाँ कहाँ जा रही हो? सो रहा, केक तो मिल नहीं रहा। बोलो सॉन्ग सुनाओ, हैप्पी बर्थडे सुना दो। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा मम्मा फिर मे गॉड ब्लेस यू। चलो केक कट करते हैं। और सब्सक्राइब करो, बोल कमेंट करो, कमेंट करो। और मैं कैसी लग रही थी वो बताना, बोल मैं कैसी लग रही हूँ वो बताना। मेरी एक्टिविटी आपको कैसी लगी बताना, बोल बोल बोल। मेरे तो बताना। आपका नाम क्या बता दो लास्ट में, क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम बता दो। बाय गाइस बोल दे। हो गया बर्थडे, मस्त केक काटा, केक अच्छा था ना, हाँ। हनी आलमंड केक ट्राई कर सकते हैं, बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर है उसका, मज़ा आया यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए आए थे लेकिन अच्छा लगा। उंगली वाला तो मेरे को पता नहीं था, उंगली वाला तो मेरे को भी नहीं पता, पांचों को क्या बोलते थे, अंगूठा ही पता है क्योंकि अंगूठा दिखाया सबको हमेशा, उसके अलावा नहीं पता। अंजनी भी पता थी और बाकी नहीं पता थी, मेरे को तो अभी भी याद नहीं है, उसने बोला लेकिन मेरे को याद नहीं हुआ। तेरे को याद हुआ क्या? क्या अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कास्किया थी।
हाँ देखा याद लास्ट की जो भी बोली थी वो अंजनी उसको सब आती है अभी वो 2.5 साल की है उसको सब आता है और उसका बर्थडे मेरे से 3 दिन पहले आता है अभी तो क्या हम लोग 3:30 बजे घर पहुंच गए थे उसके बाद हमने खाना वाना खाया और अब मैं बैठा हूँ काम करने के लिए अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए तो मेरे को 3 व्लॉग एडिट करने हैं उसमें टाइम जाएगा उसके अलावा डेटा शेयर करने हैं और उसको अलग अलग करने हैं वो बहुत बड़ा काम है पहले तो फिलहाल आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके बताइए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में बाय बाय Go with the flow Go with the flow, baby